मेथड्स भी यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, मेथड्स देखते हैं पाइथन में। और यहाँ पे सबसे पहले आ गए अपने नोटपैड में और यहाँ पे मेथड्स देखते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं और इसमें लिख देते हैं वेलकम। तो वेलकम लिखने के बाद यहाँ पे प्रिंट करते हैं str को, स्ट्रिंग को। तो वेलकम लिख के आ गया। आप कहोगे ये इसमें क्या चीज़ है, तो जो असली चीज़ है वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ अभी तक हम क्या करते थे, जब कोई चीज़ में स्ट्रिंग से बाहर निकलनी होती है हम क्या करते हैं, फाइंड फंक्शन का यूज करते हैं कि डॉट फाइंड लगा दो, उसके बाद जो भी अंदर का चाहिए हो वो बाहर निकाल लो। ठीक है, तो इसके लिए मान लीजिए मुझे यहाँ से ई चाहिए वेलकम से। ठीक है, तो ई चाहिए फाइंड से। तो यहाँ पे देखो इसने बता दिया है कि ई की जो इंडेक्स है वो 1 है वेलकम में। अब आप कहोगे 1 कैसे हो गई, ये तो दूसरी होगी चाहिए। तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, 0 से पाइथन स्टार्ट होती है, सॉरी 0 से काउंट किया जाता है। तो 0 W और 1 पे E आएगा। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ क्या है, ये तो पहले भी मैं बता चुका हूँ। मेन चीज़ इसमें ये है कि मान लो कि इसमें हमें ई जो ना है वेलकम में, इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसा शब्द लिया जिसमें दो बार ई आ जाए। तो ई जो है इसमें जो कैरेक्टर है वो दो बार आया है, एक लास्ट में भी है एक पहले भी है। अब हम क्या ऐसा करें कि लास्ट वाला भी निकला है, तो लास्ट वाला तो निकला ही नहीं, इसी एक ही बता दिया। तो इसके लिए यूज किया जाता है कामा लगा दो और आपको देखना है, तो इसमें दो मैं लिख देता हूँ क्योंकि ई जो है पहले वाला वो उसके बाद एल है। ठीक है, तो अब हमें इसने हमने इसको क्या कमांड दे दी कि अब तुम क्या करो कि दो के बाद देखो कि ई कहाँ पे है। तो दो के बाद ई लास्ट टाइम मिलेगा। तो अब जो है तो मैंने क्या किया, पहली मैंने ई लिखा फिर उसके बाद कामा दे करके दो लगा दिया, यानी कि दो इंडेक्स के बाद देखो ई कहाँ पे है। तो देखो इसने प्रिंट कर दिया कि छठवें नंबर पर ई है। तो यही चीज़ आपको बतानी थी। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ और इसमें मान लो कि इसमें हम इसको कोई ऐसी वैल्यू प्रिंट करने को कहते हैं जो इसमें हो ही ना। तो जैसे मान लो डब्लू, मैं मान लो इसमें डब्लू वेलकम में एस नहीं आता है, तो एस मैं देख लेता हूँ। तो इसने देखिए, मैंने जब इससे कहा कि एस बताओ वेलकम में कहाँ पे है, तो इसने क्या कहा, -1 प्रिंट कर दिया, यानी कि मतलब है ही नहीं तो कहाँ से वो प्रिंट करे। तो -1 इसने बता दिया। तो फाइंड में एक विशेषता ये होती है कि -1 बता देता है, एरर नहीं देता, जबकि देना चाहिए इसको एरर। एरर कौन देता है, तो एक छोटी सी यहाँ पे चीज़ और याद कर लो कि ये जो है एरर नहीं देता है, -1 दे देता है जब कोई चीज़ नहीं मिलती अंदर। लेकिन जब इंडेक्स की बात की जाए तो इंडेक्स देखो सेम काम करता है, जो काम इसने किया वही काम इंडेक्स भी करेगा। जैसे मान लो मैं इस पर ई दिखवाऊँ, इंडेक्स डॉट इंडेक्स ई, मैंने कहा कि इंडेक्स में ई बताओ कितने इंडेक्स पर है, तो इसने देखो 1 बता दिया, सेम फाइंड की तरह से। लेकिन फाइंड और इंडेक्स का फ़र्क क्या होता है, वो फ़र्क ये होता है कि इंडेक्स पर अगर तुमने कह दिया कि इसमें, जैसे मान लो एक और देख लियो, तो दूसरा वाला इंडेक्स भी प्रिंट कर लेते हैं ये छठवें नंबर पर। ठीक है, वही चीज़ है, कोई इसमें नया नहीं। अब इसमें मान लो अगर इसमें मैंने इसको कह दिया कि यस दिखाओ कि यस इसमें कहाँ पे है, यस जब आई नहीं तो कहाँ से, तो ये जो है इंडेक्स एरर दे देता है। ये देखो एरर इसने दे दिया। उसने एरर में क्या बताया है, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। सब स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग जैसे ये वाला जो वेरिएबल आपने स्ट्रिंग मेन जो है उसको स्ट्रिंग कहते हैं, उसके अंतर्गत जो कुछ भी रखा जाता है बराबर के बाद उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज़ और, हम 3-4 चीज़ें देख लेते हैं कि इज, अच्छा एक चीज़ और, 2-3 चीज़ें और देख लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। इज अल्फा, इज अल्फा मैंने जब लगाया तो इसका मतलब ये होता है कि जब जो ये स्ट्रिंग के अंतर्गत हमने रखा क्या है, जो मेन स्ट्रिंग है हमारी उसके अंतर्गत जो सब स्ट्रिंग है हमारी वेलकम, उसमें मैंने क्या रखा है, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, न्यूमेरिक हैं, नंबर्स हैं कि स्ट्रिंग मतलब अल्फा है, मतलब अल्फाबेटिक है कि जैसे ए बी सी डी। तो वेलकम जो है उसमें कोई नंबर तो है ही नहीं, अल्फाबेटिक है। ठीक है, तो यानी कि तो उसमें एक चीज़ ये होती है, मतलब ये आप समझ लो मेथड कि स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा लगा करके और डबल कोष्टक लगा करके जब आप प्रिंट करोगे तो बता देगा कि ये अल्फाबेटिक है या नहीं है। तो चूँकि अल्फाबेटिक है तो ये ट्रू कर देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर अल्फाबेटिक ना होता तो मान लो वेलकम की जगह हम कर दें 88 ऐसे, मतलब कुछ भी मैंने लिख दिया। ठीक है, 8 करके। अब इसमें क्या है, दूसरा होता है मेथड वो होता है डिजिट। अब हमें दिख रहा है कि इसमें क्या है, सब अंक हैं। ठीक है, डिजिट हैं, तो मैंने str.isDigit और डबल कोष्टक, अब ये जो है मेथड मैं अप्लाई कर दूंगा तो ये बता देगा कि हाँ ये डिजिट है, तो इससे अब ये चेक कर सकते हो। ठीक है, अब एक आता है एलनम,
अब ये चीज होती है कि मान लो कि ना तो मतलब अंकों है, मतलब डिजिट भी है, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कोई वर्ड है। तो अल्फा न्यूमेरिक जैसे मान लो, जैसे नहीं आप अपना पासवर्ड या फिर यूजर नेम जो आपका होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने अपना यूजर नेम लिख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, अल्फा न्यूमेरिक है यानी कि अल्फाबेट भी है शरद कटियार, और 22 जो है वो न्यूमेरिक है यानी कि नंबर है। तो इसका चेक करने के लिए क्या तरीका होता है, इसका होता है इज एल नम। तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके बनाया गया, और कोई इसमें नया नहीं है, इज एल नम लगा दिया और देखो देखो ट्रू कर देगा, ट्रू कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स थे, तो बताना जरूरी है था तो जाके ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाए। नेक्स्ट की बात करते हैं पाइथन सी एच आर फंक्शन और पाइथन ओ आर डी फंक्शन। तो ये क्या चीज़ होती है, तो इसमें देखिए ऐसा होता है कि सबसे पहले सी एच आर फंक्शन को समझिए। सी एच आर सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लीजिए। दिस टेक्स एन इंटीजर आई एंड कन्वर्ट इट टू अ कैरेक्टर सी, सो इट रिटर्न्स अ कैरेक्टर स्ट्रिंग। कैरेक्टर और यहाँ पे बात करते हैं, ये देखो एक इंटीजर लेता है आपसे, आप कोई भी इंटीजर दोगे उसको एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो आपने इससे को 5 दिया, 5 दिया, 5 वैसे होता नहीं, मैं आपको वैसे बता, 65 से शुरू होता है, ठीक है। तो 65 मान लीजिए आपने दिया, तो ये आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ए। तो ए बी सी डी की आप ए से जेड तक जब जाओगे तो 65 से गिनो, 65 से ए होता है, 66 से बी होता है, 67 से सी होता है, 68 से डी होता है। इस तरह से आप आगे पढ़ते चले जाओ तो वही चीज़ मिलती जाएगी। तो सी एच आर फंक्शन का मेनली काम यही होता है कि आप इंटीजर दोगे और ये वैल्यू में इंटीजर दोगे और ये जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न कर देगा आपको। तो इसका भी यूज देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम वेरिएबल बना लेते हैं वाई बराबर सी एच आर 65, ठीक है। तो मेरा बड़ा हाँ, तो 65 मैंने दिया, प्रिंट करा देते हैं वाई को। तो वाई को अभी जब हम प्रिंट करेंगे तो ये क्या कर देगा, ए को प्रिंट कर देगा, ये देखो प्रिंट हो गया, ठीक है। और अब इसकी टाइप भी चेक कर लेते हैं क्या मतलब टाइप है इसकी, तो क्लास टाइप ऑफ वाई, देखो उसने टाइप भी बता दिया कि स्ट्रिंग का टाइप है। और इसमें एक और अगर वाई लगा दो तो इसको भी प्रिंट कर देगा। तो देखो उसने टाइप भी बता दिया स्ट्रिंग है, और ये ए प्रिंट हो गया, यानी कि 65 का मतलब होता है कि ए लौटारेगा। अच्छा 5 यहाँ पे भर के देख लेते हैं, कुछ लौटारेगा, मिलेगा ही नहीं। तो देखो एरर दे दिया, ठीक है, 5 से नहीं आएगा, 65 से ही शुरू होता है। और 100 देंगे तो देखो क्या होता है, डी 100 से लुटाया है। तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं, ठीक है, कर करके। नेक्स्ट की बात करते हैं पाइथन ओ आर डी फंक्शन। इसका देखिए बिल्कुल अपोजिट होता है सी एच आर फंक्शन का। और ये जो है इसमें जो है आप कोई स्ट्रिंग देते हो, इसका जो है ये स्ट्रिंग में मतलब एक यूनिकोड आपको देना पड़ेगा। यूनिकोड का मतलब ए या बी या सी या डी या ई, ऐसे मतलब देना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो है एक इंटीजर या पूर्णांक या इस तरह से रिटर्न कर देता है। ए का होता है 65, जैसे 65 आपने दिया था तो आप जो आप दोगे वो 60 आप जब दोगे जैसे ए या बी या सी या डी, तो उसका जो है वैल्यू रिटर्न कर देगा इंटीजर। तो इसका भी देख लियो, तो यहाँ पे ओ आर डी हटा देते हैं, नहीं ओ आर डी लगा देते हैं, ओ आर डी। और मान लो हमने यहाँ पे इसको सी दिया, ठीक है, वैल्यू इस बार चेंज कर दी, और प्रिंट प्रिंट वाई, वेरिएबल को प्रिंट किया जाता है, नेम सी इज नॉट डिफाइंड, समझिए। तो यहाँ पे देखो जो सी है उसको डिफाइन भी कर देना कि ये स्ट्रिंग है, वरना ये एरर दे देगा। तो देखो इसने प्रिंट कर दिया 67, सी से 67 आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी टाइप भी चेक कर लो। टाइप भी इसने बता दी इंट, यानी कि इंट टाइप का डेटा है, दोनों को कर लो प्रिंट। तो देखो 67 इंट टाइप का डेटा है, ठीक है। और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो आ गया पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड, पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड। तो इसमें जो है एक जुगाड़ होती है जिससे आप इसको जो है अलग अलग तरीकों से प्रिंट करवा सकते हो। तो इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल लेकर के अपनी नोटपैड में। तो
यहाँ पे बना लेते हैं W इज इक्वल टू वेलकम टू दिस चैनल। तो वेलकम टू दिस चैनल, उसके बाद डॉट फॉर्मेट, वेलकम टू दिस चैनल डॉट फॉर्मेट लगाया, उसके बाद यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पे कोई दो वैल्यू रख ले। मान लीजिए इसमें इसका दरअसल मतलब ये होता है कि इसमें आप स्ट्रिंग के बीच में दो वैल्यू को कोई भी आप डाल सकते हो, स्पेसिफिक वैल्यू को, ठीक है, स्ट्रिंग में बीच में, तो वही बस डालेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कोई एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, एक मान लीजिए वेलकम टू दिस चैनल है, इसके अंतर्गत मुझे यहाँ पे दो वैल्यू डालनी है, मैंने कि दो डेटा डालने हैं। और तो मैंने क्या किया, W नाम का एक वेरिएबल बनाया, वेलकम टू दिस चैनल इसके अंतर्गत एक स्ट्रिंग लिखी, डॉट फॉर्मेट का यूज किया, उसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी स्मॉल ब्रैकेट लगाया, उसके बाद यहाँ पे दो हम चीजें इसके अंतर्गत डालेंगे। और तो एक हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो स्ट्रिंग मान लियो, ठीक है, स्ट्रिंग पहली ले ली। अब इसमें कोई हम मान लीजिए कोई मुझे इंटीजर डालना है, तो 88 मान लीजिए इंटीजर ले लिया, ठीक है, और प्रिंट। और देखो अब ऐसे कहाँ पे लगाना है आपको, ये दो जो सरद और 88 जो है इनको लगाना कहाँ है, ये इसको भी तो बताना पड़ेगा कि कहाँ पे लगाना है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे लगा दो, इसके अंतर्गत डाल दो, तो अभी एक मैंने इसको बताया है, अब दूसरा 88 कहाँ पे जाए, तो इसको भी बता दो। इसको बताने के लिए कैसे बताया जाएगा, कोडिंग में, यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत ऐसे बता दो, तो ये ऑटोमेटिक कर देगा। तो इसका जरा प्रिंट करते हैं, देखो वेरिएबल को हमेशा प्रिंट किया जाता है, प्रिंट W हमने किया, और ये जो है प्रिंट कर देगा, देखो इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, वेलकम। देखो अंदर जहाँ पे मैंने बताया था वहीं पे इसने लगा दिया। अच्छा, एक जुगाड़ और होती है, मान लो कि ये जो है ये हमें अगर उधर से उधर पलटनी हो, चीज इधर ही रहे तो कैसे होए, तो जो सरत था वो 0 पे था और जो 88 था वो 1 पे था, अगर इंडेक्स वाइज देखा जाए तो, पहले भी बता चुका हूँ। तो मान लो अगर सरत को पहले नहीं लाना, उसको लास्ट में ले जाना है, 88 को पहले लाना है, तो बस ये जो कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं, 88 कितने पे था, 1 इंडेक्स पे था, और 88 को पहले लाना है, यानी कि तो 1 इंडेक्स पे था, तो पहले कहाँ, वेलकम के बाद प्रिंट कराना है, पहले लाना है, तो इसके कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत 1 कर दो, और सरत 0 पे था, इसको बाद में लाना है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 कर दो, और बस ये प्रिंट कर देगा, हो गया प्रिंट, ठीक है, और कुछ इसमें था नहीं। और मान लो कि इसमें अच्छा एक और जुगाड़ होती है, वो जुगाड़ भी देख लो कि अब मान लो इंटीजर इंटीजर के लिए, तो ये हटा देते हैं और दूसरा बना लेते हैं स्ट्रिंग, इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, और एक एज इक्वल टू मैंने 30 ले लिया, बी इज इक्वल टू 50 ले लिया। अच्छा, अब इसमें क्या नया होगा, इसमें नया ये होगा कि एज इक्वल टू 30 और बी इज इक्वल टू 50 को स्ट्रिंग के बीचों बीच में मुझे कहीं पर भी लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, तो बस वही उसकी जुगाड़ है। हम क्या करेंगे, ऐसे दो बना लेंगे कर्ली ब्रैकेट जैसे कि पहले बनाए थे, बस इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए जो बी इज इक्वल टू 50 है उसको मुझे पहले लाना है, तो यहाँ पे पहले लाना तो बी लिख दिया, ठीक है, और दूसरा वाला कर्ली ब्रैकेट में एज इक्वल टू 30 लाना है, तो 30 नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल लेते हैं, तो ए लिख दिया, अब उसके बाद प्रिंट कर दो, वही चीज आ जाएगी, प्रिंट हो गया, ठीक है, वेलकम 50 टू 30 दिस चैनल, ठीक है। और इसमें मान लीजिए कि इसमें कुछ कलाकारी दिखानी है तो वो भी दिखा सकते हो, जैसे मान लो कि बी जो है वो क्या था, 50 था, अब इसमें कुछ और इसमें मतलब डिजाइन करते हैं इसको, कि जैसे मान लो कि 10 जो है ये साइड हो जाए, तो देखो क्या हुआ, जो मैंने देखो बस रेशियो प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाया और उसके बाद 10 लिख दिया, तो ये क्या हुआ, जो बी में जो वैल्यू थी 50 वो देखो इतनी जगह छोड़ दी इसने, ठीक है, इतनी जगह इसने छोड़ दी 10 लगाने से, यानी कि 10 करेक्टर ये लेफ्ट चला गया। और इसमें और थोड़ी कलाकारी दिखानी है तो वो भी दिखा सकते हो, जैसे कि मान लो उसको बीचों बीच में लाना है कि 10 ना तो उधर जाए, 10 करेक्टर छूट हो जाए, मतलब जितने करेक्टर आप छुटाना चाहते हो तो उसको आप लिख सकते हो, मैंने 10 लिखा सिर्फ एग्जांपल के लिए। और इसके लिए ये वाला चिन्ह लगा दो, ये काय का चिन्ह है, जोर का, जो मैंने पिछले एपिसोड में पढ़ाया था,
देखो 50 जो है बीचों बीच में हो गया, और अब फिर मान लो उसमें और थोड़ी कुछ करना हो तो और कर लियो, तो ये वाला चिन्ह लगा दो तो इससे देखो साइड में चला गया जो उससे हुआ था, किससे जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाने से हुआ था वही काम इससे भी होता है, और मान लो उसमें कुछ करना हो तो वो भी कर सकते हो। इससे देखो क्या होता है, तो इससे देखो इससे ये हुआ कि 50 जो है लेफ्ट में ना जा करके बिल्कुल नहीं, पिछली बार राइट गया था, इस बार जो है लेफ्ट चला गया, तो ये करके देखो आपको खुद लेफ्ट या राइट पता चल जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, फॉर्मेट पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड। इसके द्वारा हमने ये समझा कि स्ट्रिंग में बीचों में बीच में कौन कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़ बीच में स्पेसिफिक घुसेड़ नहीं हो तो घुसे सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, पाइथन लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एलिगेंट वे टू क्रिएट लिस्ट। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि लिस्ट में जो है कि मतलब चीज़ें जो शॉर्टकट में हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो की कोडिंग हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, एक हमने एल वेरिएबल से एक लिस्ट बनाई, खाली लिस्ट बनाई, फिर हमने क्या किया इसमें फॉर एन इन रेंज, फॉर एन इन रेंज मान लो 1 से 99, ठीक है, और प्रिंट नहीं एल डाट अपेंड, अभी समझा दूंगा कोड लिख लेने दो। देखो जो 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 हमने ऊपर यहाँ पे ये एन जो बनाया है उसी में रखना पड़ेगा, यानी कि हम इसमें जोड़ेंगे लिस्ट में कि 1 से 99 के बीच की जितने भी डिजिट हो वो चीज़ें लिस्ट में आ जाए, तो अपेंड का मतलब वही है जोड़ना जो मैंने लिस्ट में मेथड्स में बताया रहा है, ठीक है, और प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट प्रिंट किसको करेंगे, एल को, क्योंकि एक सब चीज़ें देखो अपने अपने जुड़ी हुई हैं। पहले देखो हमने क्या किया कि फार एक हमने बनाया लूप, और उसके बाद हमने क्या किया एन इन रेंज 1 से 99 के बीच में जितने भी डिजिट हैं वो प्रिंट हो जाए, और उसके बाद जुड़ जाए, किस में जुड़ जाए, लिस्ट में जुड़ जाए। इसलिए हमने क्या कहा कि एन में जो है वो तो है 1 से 99 तक के डिजिट, और फिर जो डिजिट है कहाँ जाइए तो वे जाइए लिस्ट में, यानी कि लिस्ट में यानी कि एल डाट अपेंड करो। तो उससे कहा वो कि जो एन के जो डिजिट थे वो लिस्ट में जो खाली थी लिस्ट वही में जुड़ गए, और जब जुड़ गए तो हुए तो जुड़े हैं, तो उसका प्रिंट करवे के लिए अब लिस्ट में भरी गई हुई है, तो प्रिंट करवे तो के लिए हमने क्या कर दो प्रिंट एल लगा दो। अब यही देखो प्रिंट करो हमने, तो देखो सारे जो अंक हैं 1 से लेके 98 तक प्रिंट हो गए। अब आप कहोगे कि 99 का है वो, तो जब ये रेंज वाला चलाओ जाता है फंक्शन तो इसमें जो जो फाइनल वालों अंक हो तो वो प्रिंट नहीं होता है, ठीक है, जबकि फर्स्ट वाला जैसे देखो 1 से 99 तक हमने कही थी तो एक प्रिंट हुई वो 99 नहीं वो, तो एक छोड़ दो जाता है, ठीक है, और 99 तक चली गई फंक्शन। अब अच्छा है मैं कुछ जुगाड़ है कि बिल्कुल छोटी कोडिंग में काम बन जाए, तो यही चीज़ें जो हैं ये बहुत छोटी मजे वजकत है। कैसे एल इज इक्वल टू एन फॉर एन इन रेंज, वन 99, ठीक है, प्रिंट एल, अब देखो उसमें जो जो ये था उसमें मैंने क्या लिखा था, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव जनरली मोर कॉम्पैक्ट एंड फास्टर देन नॉर्मल फंक्शंस एंड लूप्स फॉर क्रिएटिंग लिस्ट, जो होती है ना बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट कर देती है, मतलब छोटा सा कोड में और बहुत तेज हो जाइए काम, मतलब छोटे से कोड में और सिंटैक्स भाई बहुत सिंपल सो, तो आपने देख ही लो कि देखो जहाँ इतनी कितनी 4 लाइनें खर्च हुई थी वहीं पर काम जो है वो हमारा 2 लाइन में बन गया, तो उसका चाहिए। तो देखो एन फॉर एन इन रेंज 1,99, और जो चीज़ यही इसमें हुई थी वही काम सिर्फ दो लाइनों में मतलब बन जाएगा, तो कितनी बढ़िया बात, लो वही चीज़ आई जो हमने 4 कोडिंग मतलब 4 लाइन में की थी वही काम देखो यहाँ पे 2 लाइन में हो गया, तो ये जो शॉर्टकट है ये काम आता है, ठीक है। और नेक्स्ट की हम देखते हैं क्या चीज़ है, और हाँ मान लो उसमें अगर कुछ अपनी तरफ से कंडीशन लगानी हो तो वो भी लगा सकते हो, तो उसके लिए भी है जुगाड़, एल इज इक्वल टू
L is equal to n power n in range 1,99. और सर जो लगाना ही है वो भी आप लगा सकते हो, जैसे मान लो अगर इसमें आईसी में सिर्फ वैल्यू चाहिए जो सम हो यानी कि इवन हो, ठीक है, इवन नंबर्स हो और तो वो भी निकाल सकते हो। अच्छा इवन नंबर्स होता कौन है जिसमें दो का भाग चला जाए यानी कि दो से डिविजिबल हो, तो मैथ के तरीके से सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सम नंबर हो तो उसमें लिख दो सम नंबर आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं काम बनेगा। तो इवन नंबर्स वो होते हैं जिसमें दो का भाग चला जाए, तो लो तो कंडीशन लगाओ इफ एन डिविजिबल बाई टू इज इक्वल टू जीरो। हमने इसको क्या बताया कि आईसी मतलब दो से भाग दो जितने भी हैं ये एक से लेकर 98 तक जिनमें दो को भाग जाए और जीरो आ जाए जो शेषफल, यानी कि जो रिमेनिंग जो हमारा आंसर यानी कि जैसे 24/2 कर दो 12 आ जाता, तो जो रिमेन हमारा बचता है यानी कि शेष जो बचता है वो कितना बचता है, जीरो बचता है। तो ऐसे जितनी भी वैल्यू है वो सारी कौन सी होंगी, इवन होंगी, तो इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो बता देगा कि इवन नंबर्स कौन से हैं। यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते उसको कि इवन क्या है, वो इवन नहीं जानता है, वो आपको ही कंडीशन लगानी पड़ेगी, आपको ही सोचना पड़ेगा। तो हमने कंडीशन लगा दी एन डिविजिबल बाई टू यानी कि 1 से 98 तक ऑपरेशन चलाओ, अगर जो दो से डिविजिबल हो और शेषफल जीरो आ जाए वो हमारे इवन नंबर्स होंगे, जिनका नहीं आता है वो हमारे ऑड नंबर्स होंगे यानी कि विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। तो देख लो प्रिंट कर देते हैं एल को, देखो सब सारे जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, कौन से प्रिंट हो चुके हैं, कौन से इवन नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो जुगाड़ है हमारी जो कोडिंग को है फास्ट एंड कॉम्पैक्ट कर देती है। तो ये अपने तरीका देखा पाइथन लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एलिगेंट वे टू क्रिएट लिस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं जिप फंक्शन। अच्छा जिप फंक्शन और उसके बाद हाँ उसके बाद पाइथन पर, तो जिप फंक्शन में क्या होगा कि हम दो जो लिस्ट हैं उन या ट्यूपल हैं उनको सेम टाइम में मतलब प्रिंट करा सकते हैं। देखो तरीका क्या होगा, क्योंकि कोडिंग सबसे ज़्यादा बढ़िया रहती है और इसी से समझो एग्जाम्पल सबसे बढ़िया। तो मान लेते हैं कि L1 नाम का लिस्ट बना लेते हैं, ट्यूपल और लिस्ट दोनों में जिप फंक्शन आप चला सकते हो। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल लियो सबसे बढ़िया, तो बाद 36 तो 12 24 36 48। L2 नाम का हम दूसरा यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें 15 30 45 60। तो हमने एक L1 एक L2 नाम की दो लिस्ट बना ली। अब फॉर लूप का हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर A,B, यहाँ पे जो A,B यहाँ पे जो B है तो A से यहाँ पे मतलब है L1 से और B से मतलब है L2 से, ठीक है। तो फॉर A,B इन जिप L1,L2, तो देखो यहाँ पे होगा क्या, खुद ही देखो समझो। और L1,L2 और जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह को लगा दिया, प्रिंट कर देते हैं A,B को, प्रिंट A,B, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्या हुआ यहाँ पे, ये हुआ कि 12 24 36 48 जो है वो वर्टिकल में हो गए और उनके साथ ही में जो L2 लिस्ट में थे हमारे जो सब लिस्ट वो भी वर्टिकल में हो गए L1 के साथ, यानी कि L1,L2 तो जो दोनों हैं वर्टिकल में हो गए। बस ये होता है जिप फंक्शन में, ठीक है। तो 12 15 24 30 सभी के साथ ही लगाए दे। अच्छा एक सवाल ये भी यहाँ पे उठ सकता है कि मान लो अगर 1 में 4 कर दे हमने L1 में, मान लो 4 हमने वैल्यू दे दी, L2 में 5 वैल्यू दे दी, तो फिर क्या होगा, होगा कुछ नहीं, वो 5 वाली वैल्यू भूल जाओगे, ठीक है, करके देख लेते हैं, ठीक है। तो L2 में मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ और वैल्यू कर देते हैं, तो 100, तो देखो ये भूल जाएगा कि ऐसी कुछ वैल्यू है ही नहीं, लो कुछ भाव नहीं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, एक में ज़्यादा हो जाइए तो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट को देख लेता हूँ कि पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लिस्ट। अब यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम देखेंगे जो जो है स्ट्रिंग को लिस्ट में बदल देगा। तो ये सारा बवाल हटाते हैं और एक बना लेते हैं
एन इज इक्वल टू इनपुट इनपुट इंटर द वैल्यू। मतलब हम यहाँ पे ये बना रहे हैं कि जो कस्टमर आए वो कोई ऐसी स्ट्रिंग दे और उसको लिस्ट में बदल दे, तोड़ के बदल दे। मतलब जो कस्टमर होगा वो एक स्ट्रिंग देगा और ये जो फंक्शन है वो लिस्ट में बदल देगा, यानी कि उसका बीच से स्प्लिट कर देगा। आपने देखा होगा वीडियो एडिटिंग में जब कभी भी आप करते होगा तो उसमें स्प्लिट होता है, यानी कि वीडियो की जो लेयर है उसको दो भागों में तोड़ देना। सेम काम तो है, और उसमें क्या है, तो एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू मतलब इनपुट मांग रहे हैं यूजर से कि एन जो वेरिएबल है उसमें एक वैल्यू दो, फिर हम उसका तोड़ें। और तोड़ेंगे किसको, वेरिएबल को, यानी कि एन को। तो बस प्रिंट एन, और उसके बाद एल इज इक्वल टू, गड़बड़ हो गया, हाँ प्रिंट एन कर दिया, एल इज इक्वल टू एन डॉट स्प्लिट, एल डॉट स्प्लिट प्रिंट एल। तो देखो यूजर ने जो दो, हाँ यूजर ने देखो सबसे पहले जो वैल्यू दी वह देखो दिमाग में स्टोर कर ली, उसके बाद वैल्यू का तोड़ दो, यानी कि एल इज इक्वल टू एन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट कर दो जो यूजर ने स्ट्रिंग दी, और उसका एक लिस्ट में प्रिंट कर दो। बस यही है अगर हिंदी में बताओ जाए। चलिए प्रिंट करते हैं, और देखो यहाँ पे एक वैल्यू मांगने लगा, तो मान लिया यहाँ पे लिख देते हैं कि तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग पास की और देखते हैं इसको तोड़ पाता है या नहीं। तो यहाँ पे रन कर देते हैं ये लो, तो रन तोड़ दिया इसने, ठीक है। तो ये है जुगाड़, ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग को लिस्ट में तोड़ना। इसने देखो लिस्ट में तोड़ दी थी हमने स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप का डेटा दिया था और तोड़ दिया इसने इसको लिस्ट टाइप के डेटा में, तोड़ ताड़ के भर दिया। ये है माजरा। और इसको जरा दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि और कुछ जुगाड़ अगर हो तो वो भी बता दो। तो और दूसरे तरीके से जो देख लेते हैं, ये हम कट कर दिया। अब मान लो डब्बा लो खाली लिस्ट को ले लो, उसके बाद अब इसको फॉर लूप से देंगे, कैसे फॉर लूप से, फॉर ए इन रेंज, फॉर ए इन रेंज 1.5, फॉर ए इन रेंज 1.5 एन इज इक्वल टू इनपुट इनपुट इंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू यो कहेगा। तो यहाँ पे एंटर द वैल्यू, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं स्ट्रिंग लगा करके, और यहाँ पे str लगाते हैं, इंटर द वैल्यू एल डॉट अपेंड। देखो उसमें कोई वही नहीं, मतलब कोई उसमें नई चीज नहीं है, वही चीज है, ठीक है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे। इंटर द वैल्यू, ये स्ट्रिंग को हमने डबल कोट्स लगा करके बंद किया, इंटर द वैल्यू को एल डॉट अपेंड किया, और अपेंड में अभी अब किसको अपेंड कर रहे हो, मतलब किसको अपेंड करोगे, एन को अपेंड करोगे, क्योंकि वैल्यू जो यूजर दे रहा है, जो इनपुट यूजर दे रहा है वो एन में जा रही है, और जो एन में जो यूजर दे रहा है वो हमें लाना है लिस्ट में। तो अपेंड किस में करना है, लिस्ट में, तो यानी कि एल डॉट अपेंड अब किसको करना है, एन को, लियो काम खत्म। अब जब जुड़ गई वैल्यू एल में, यानी कि लिस्ट में आ गई, तब हमें क्या करना है, लिस्ट को दिखा देना है कि ये लो लिस्ट, यूजर ने जो वैल्यू दे, समझो इसे हिंदी में समझा रहे। तो देखो सबसे पहले फॉर ए इन रेंज 1.5, ठीक है, तो ये हमने तो एक जो रेंज दे दी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एन से हमने जो है यूजर से इनपुट मांगो, ठीक है, एन से हमने क्या किया, यूजर से वैल्यू मांगी कि इनपुट दो। तो अब जो ये इनपुट दिया वो कहाँ गो, वेरिएबल में एन में, और हमें जाइए कहाँ है, लिस्ट में। तो लिस्ट में ऐसे तो है ना कि जोड़ दो एल प्लस एन कर दो, तो अपेंड से जोड़ जाते, एल डॉट अपेंड। अब कहाँ से उठा हुआ तुमने, एन से उठा हुआ, बस वही चीज है,
प्रिंट एन, नहीं प्रिंट एल, लिस्ट को दिखाना है ना। तो आप देखो वैल्यू मांग रहे हो, तो वो तीन वैल्यू मांगी जा रही है, चार मांगेगा क्योंकि वन से फाइव चला। तो यहाँ पे देखो मेनली हुआ क्या है, तो समझो हिंदी में इसमें। अच्छा देखो एक और जुगाड़ है कि इसको डिजाइन भी अच्छे से आप बना सकते हो अपनी तरीके अपनी तरफ से, कि मान लो अगर इसे अच्छा नहीं लग रहा हो तो एक ऐसे कर लियो, तो इससे कि डिजाइन अच्छी बन रही है। तो देखो मैं हुआ का है भाई, इसका देखो इग्नोर करो, ये सब हटाओ। सबसे पहले ये देखो मेन चीज हमने यहाँ पे किया गया, मतलब हमने ये कहा है कि यूजर को जो इनपुट देगा, यूजर से हम इनपुट कितने लेंगे, इनपुट हम यूजर से लेंगे चार ही, और चार ही जब इनपुट ली हुए है तो इसके लिए रेंज कैसी बनी हुई है, 1.5 करवे पर ही है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 फाइव तो जाएगा नहीं, 1, 2, 3, 4 यूजर से हम चाहते हैं कि यूजर चार इनपुट दे, और उन चारों इनपुट को हम जो ले करके अलग अलग चार इनपुट हम यूजर देगा और उसको हम एक लिस्ट में कैद कर देंगे। तो हमने जुगाड़ बनाई, मतलब दिमाग में सोचा कि चार इनपुट लेना है तो रेंज में जो वैल्यू होगी 1.5 रखनी पड़ेगी। अच्छा 1.5 ना रखते, अवरी का कुछ जुगाड़ है, हाँ जुगाड़ है, कहा है वो है 3 की, अगर इसके अंतर्गत हम रेंज में 3 रख दें तो वो भी 4 की हमारी पूर्ति कर देगी। 3 देखो रख दिया, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 4 हो गए, 4 ना वैल्यू यूजर से ले ली गई रेंज को, मतलब यही तो वो। अब अच्छा ठीक है ये बवाल हो गया, अब एन नाम को हमने एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है एन नाम के वेरिएबल में यूजर इनपुट दिए, वैल्यू दिए कछु, क्या कितने दें 4 दें। अब उसका हम डर हुए लिस्ट में, अब जब लिस्ट में जुड़े हुए हैं तो अपेंड फंक्शन को यूज करो जाइए। एल डाटा अपेंड कहां से तुम उठा रहे हो, वो एन से उठा रहे हो, तो एल डाटा अपेंड एन और प्रिंट कर दो एल का, यानी कि जो लिस्ट जो हमने एल एक खाली डब्बा बनाओ तो वहां से बद्ध हो जाएगा और लास्ट में दिखाई दो कि ये लो अपना तुम्हारा जाओ। अच्छा चलो फाइनली रन करते हैं, तो यहाँ पर देखो आई गो आपकी देखो अच्छी लगी है, तो देखो इंटर द वैल्यू का लिख के आओ, तो मान लो 4 हम यहाँ पे देखो वैल्यू ली है हमसे, 45 दूसरा 90 तीसरा 135, ठीक है तो यहाँ पे जो है वैल्यू जो है अंदर इसने ले ली अपने, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, और दोनों जुगाड़ से हमने बता दिया आपको, और ये फाइनली लास्ट टॉपिक था।